हेलो गाइस, नमस्ते। रोशनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की प्याज वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो भिंडी भरवा फ्राई मैं बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ प्याज ली हूँ। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आप ज़्यादा डालिएगा। जितना प्याज डालेंगे उतना ये टेस्टी बनता है, ये जो सब्ज़ी है भिंडी का। और इसको ऐसे लंबे लंबे शेप में कट करेंगे प्याज को, सभी प्याज को अच्छे से कट कर लेंगे। और जो भिंडी है ना, उसको भी मैं अच्छे से साफ पानी में धो के थोड़ी देर उसको रख देंगे, तुरंत नहीं कट करेंगे, नहीं तो चिपचिपा सा हो जाएगा। जैसे उसका पानी सूख जाएगा ना भिंडी का, उसके बाद उसको कट करेंगे। तो नॉर्मल मैं उसको लंबे लंबे शेप में कट की हूँ, आप भी वैसे कट करिएगा। और बीच से चीरा लगाएंगे और दो हिस्सों में दो दो इंच के जितना उसको कट करेंगे भिंडी को। तो सभी प्याज जो अच्छे से कट हो गए हैं, अब इसको एक प्लेट में ले लेंगे, निकालेंगे एक बड़े से प्लेट में, और उसमें 10 से 12 कली कूच के ऐसे दरदरा लहसुन डालेंगे। इसका पेस्ट नहीं डालेंगे, इसको ऐसे कूच के डालेंगे। और स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। मैं यहाँ 2 चम्मच नमक डाली हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सब पाउडर डालिएगा जो जो मसाले हैं। और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालना ज़रूरी है। और इसमें 2 चम्मच के जितना भर के अमचूर पाउडर डालेंगे। और सभी को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। अगर आपको करना है तो आप स्पून से चम्मच से कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, ऐसे दबा दबा के इसको मसल के। और ये जो भिंडी है ना, उसको मैं कट करके रख ली थी, ये देखिए चीरा लगा के। अब जितना भी भिंडी के अंदर डालता है आप डालिए, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से उसको भरना ही है करेला के जैसे। बस थोड़ा थोड़ा इसमें डालिए और थोड़ा सा सबर करके बनाइए, हो जाएगा, डल जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे ना, सब्ज़ी आपका उससे कई गुना, हज़ार गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और घर में सभी लोग बोलेंगे आज क्या सब्ज़ी बना है, वाह। और बार बार आपको बोलेंगे सब यही वाली सब्ज़ी बनाइए, यही सब्ज़ी खाएंगे। देखिए इधर 1 चम्मच मैं सरसों तेल डाली हूँ, उसमें 1/2 चम्मच डालेंगे सरसों। और ये जो भिंडी है ना, बाकी का जो कटअप बचा मसाला प्याज है वो भी उसके ऊपर ही डाल देंगे। और ये जो सब्ज़ी है उसको ना तुरंत तुरंत बिल्कुल नहीं खोएंगे, 1-1 मिनट बाद खोएंगे। थोड़ा सा सीख जाएगा, लगेगा ना अब चिपक रहा है, तब उसको खोइएगा, एकदम जल्दी जल्दी नहीं खोना है। और ये सब्ज़ी है ना, 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भुनेंगे, पकाएंगे। ये देखिए सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जो प्याज है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है। जो जो मसाले थे, सब फ्लेवर थे, उतने टाइम ही डाल दिए थे प्याज में। ये सब्ज़ी जो है एकदम बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। एक बार आप बना के देखिएगा खा के। और आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।